व्यूअर्स, आज भी मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स मिले आंखों के विजन करेक्शन से संबंधित, कि जिसमें आप ये जानना चाहते हैं कि अगर मेरी आंखों का नंबर -1, -2, -3 या -4 तक है तो क्या मुझे लेज़र अपनाना चाहिए। लेज़र में जो अब सबसे अपडेट टेक्नोलॉजी है, जिसका कुछ लोगों ने मुझे नाम भी लिखकर भेजा है, जिसका नाम है EPI कॉन्टूरा, यानी एपी कॉन्टूरा जिसको कहते हैं, इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है। और इससे पहले कुछ एक सवाल भी है जो ऑलमोस्ट उससे जुड़े हुए सारे सवाल वैसे ही हैं, तो उसमें से मैं एक पढ़ता हूँ, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें लिखा है कि मेरी एक आँख का नंबर जो है 6x9 है और दूसरी का 6x12 है। इसमें कुछ लोगों ने 6x6 और 6x9 भी लिखा है और मुझे चश्मा भी लगा है 1 साल पहले, लेकिन अब मैंने चश्मा कुछ महीनों से लगाना छोड़ दिया है, तो क्या इससे मेरे विज़न पर कोई फ़र्क पड़ेगा या मेरा विज़न ख़राब होगा। तो इसमें तो मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल यही आपके लिए एडवाइस रहेगी कि अगर आँखों में नंबर है और जहाँ पर 6x12 है आपका नंबर और एक में 6x9 है, तो 12 जिसमें है उसके लिए तो आई थिंक सो कि 12 हो या 9 हो, दोनों में ही अगर चश्मा है तो उस चश्मे को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बिकॉज़ जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं और अगर हम वहाँ पर चश्मे का यूज़ नहीं करेंगे तो आँखों पर स्ट्रेन पड़ेगा, ज़ोर पड़ेगा और फिर हमारा जो हम जो कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं ना, उसको फोकस करने के लिए आँखों को थोड़ा सा छोटा करते हैं इस तरीके से, ऐसे करके। तो इससे जो हम ज़ोर डालेंगे आँखों पर, इससे नंबर और बढ़ सकता है। तो चश्मा लगाना नुकसानदायक नहीं है, बल्कि उसे छोड़ देना नुकसानदायक है। तो अगर नंबर है तो आप उसे लगाइए। हाँ, ये है कि मान लीजिए जब आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसमें आँखों पर ज़ोर देना है, तब आप उसे उतार के रिलैक्स बैठ सकते हैं। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, नॉर्मली बैठे हुए हैं और रेस्ट कर रहे हैं, तो उस पोजिशन में आप उसे उतार सकते हैं। लेकिन जहाँ आप TV वॉच कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या फिर ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं बाहर खड़े हैं, किसी को दूर देखना है, घूमना फिरना है, तो उस स्थिति में अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिखाई देगी तो उसमें आप अपनी आँखों को छोटा करेंगे इस तरीके से और देखने की कोशिश करेंगे। यानी अपने लेंस को, जो हमारा जहाँ पर हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो उसमें अपने लेंस की जो हमारी जो कैपेसिटी है, वो जब उसको नहीं सही से फोकस कर पाती है, तो हम उसको छोटा करते हैं आँखों को और उससे वहाँ पर फोकस बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे। लेकिन अगर हम ऐसा बार बार करेंगे तो इससे आंखें कमज़ोर हो सकती हैं और इससे जो नंबर है वो हमारा बढ़ भी सकता है। तो इसलिए ये जो सवाल इस तरीके के लिखे हैं आपने, जितने लोगों के भी अगर इस तरीके के सवाल हैं कि अगर हम नंबर है हमारी आंखों में तो हम चश्मा पहने या नहीं, तो बिल्कुल चश्मा ज़रूर यूज़ करिए। दूसरा एक और सवाल इसमें ये है कि अगर किसी का नंबर 6x9 है, यानी 6x6 से थोड़ा सा कम है, तो उस स्थिति में आप थोड़ा सा फोकस अपनी आई एक्सरसाइज पर करिए, डाइट पर करिए। और आई थिंक सो कि अगर नॉर्मल सिर्फ रिफ्रैक्टेड एरर आपके किसी इस वजह से आया है कि जिसमें आपका किसी सब्जेक्ट को देखने का तरीका सही नहीं था, या फिर आपने एट ए स्ट्रेच बहुत सारा काम पिछले कुछ समय में जल्दी जल्दी में किया है, तो उस वजह से अगर नंबर वो आ गया है जल्दी में, तो वो नंबर ठीक हो सकता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहेंगे कि आप जो ये वीडियो देखते हैं तो इसका आप फीडबैक हमें ज़रूर दें। और फीडबैक देने के दो ऑप्शन हैं, एक तो आप हमें इस वीडियो को लाइक करके भी फीडबैक देख सकते हैं, दूसरा आपके पास ऑप्शन है कमेंट ऑप्शन, जिसमें आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और आप इसे जुड़े रहना चाहते हैं इस चैनल से, तो फिर यहाँ पर जो बटन लाल रंग का है जिसे सब्सक्राइब बटन कहते हैं, उसे आप दबा के इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में, कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मेरा नंबर -1, -2, -3 या -4 है तो हम क्या एपी कॉन्ट्रा को अपनाएं। तो इसके संबंध में ये है मेरा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये भारत में बिल्कुल नई है और ये अपडेट है, इससे अपडेट टेक्नोलॉजी इस समय भारत में नहीं है। और अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड डिसीज़न। और अगर आप एक कॉमन पर्सन हैं, आप नॉर्मली इस प्रोसीजर को अपनाना चाहते हैं, दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की सर्जरी वाला प्रोसीजर नहीं होता है, तो ये बहुत सेफ़ है आँखों के लिए अब तक के जितनी भी लेसिक सर्जरीज हैं उनमें। और अगर आप ये प्रोसीजर जॉब के पर्पज़ से कराना चाहते हैं तब भी आप इसे करा सकते हैं, क्योंकि ये सेफ़ है और मेडिकल में डिटेक्ट नहीं होता।
डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना ये है जो लोग इसको करते हैं कि अभी तक जितने भी मेडिकल टेस्ट्स होते हैं उसमें टोपोग्राफी का टेस्ट नहीं होता, क्योंकि एपिकॉन्ड्रा सिर्फ टोपोग्राफी से पता किया जा सकता है, अदरवाइज़ किसी और टेस्ट से नहीं। तो जितने भी मेडिकल अभी तक होते हैं उनमें टोपोग्राफी नहीं होती, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। तो अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, उसमें सक्सेस होना चाहते हैं, तो इस प्रोसीजर को आप करा के जा सकते हैं। और इस प्रोसीजर की जो रेंज है वो यही है कि -4 तक का अगर आपका नंबर है तो इससे ठीक हो जाएगा। अगर -4 से थोड़ा सा ऊपर है तो फिर ये फिर एक जांच का विषय हो जाता है कि आपका जो कॉर्निया है वो किस तरीके का है, कैसी थिकनेस है, क्या इस पर हम किस तरीके से क्या करें क्या नहीं, वो एक्सपर्ट जो आपकी जांच करेंगे आँखों की वो आपको बता देंगे वहाँ पर। लेकिन हाँ, ये एक ऑल ओवर इतना समझ लीजिए कि अगर आपका -4 तक नंबर है तो इस प्रोसीजर को आप आसानी से करा सकते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके विज़न को 6x6 कर सकता है। तो इसमें कोई चिंता की या फिर कोई ऐसा कन्फ्यूज़न आप नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि अगर हमारा नंबर -1 है तो क्या हम इसे कराएं, या फिर -2 है तो हम इसे कराएं, तो ये डिपेंड तो आपके ऊपर करता है कि आप इसे कराना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कितनी आपकी ज़रूरत है, किस पर्पज़ से आप इसको करा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप इसका डिसीज़न लेंगे। तो अगर इसके संबंध में और भी आपके कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट ऑप्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। अब आप इसके बारे में भी जान लीजिए कि ये होता कहाँ पर है। मैं पहले भी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से अब दोबारा आया है तो फिर से आपको बता देते हैं कि ये भारत में कुछ ही जगह पर होता है, ये हर जगह नहीं होता। और उन संस्थानों की लिस्ट आपके स्क्रीन पर है, आप इन संस्थानों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ भारत में इन्हीं संस्थानों में होता है और भारत में अभी प्रेजेंटली ये कहीं नहीं है। हाँ, आने वाले समय में बहुत सी जगह ये हो सकता है, लेकिन प्रेजेंटली ये सिर्फ इन्हीं संस्थानों में है जिन्हें अभी आपने देखा। तो अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।